Hello students, today we are going to discuss Leisure. Leisure एक poem है, W.H. Device द्वारा लिखा गया है students, और ये topic DAV publication English literature class 6 से लिया गया है. इसी channel पर हमने पहले इस poem को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था और आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स और भी जो अलग एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि हॉट्स है, लाइफ स्किल है, इसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो भी इस पोएम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसको मैंने आपके सामने रखा है, उसका सिनोनिम रखा है और उसका फिर हिंदी में मतलब क्या होता है ये भी आपके सामने है. इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में या नोट्स में लिख सकते हैं. चैप्टर शुरू करने से पहले हमने प्री रीडिंग टास्क को देखा था, एक एक करके हम इस प्री रीडिंग टास्क को करेंगे. व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम, आप खाली समय में क्या करते हैं. आंसर, आई यूज टू प्ले वीडियो गेम्स इन फ्री टाइम्स, आई ऑल्सो वॉच मूवीज इन फ्री टाइम. मैं खाली समय में वीडियो गेम खेला करता हूँ या तो फिर मूवी देखता हूँ. क्वेश्चन नंबर टू, लिस्ट एट लिस्ट 5 थिंग्स दैट यू वांट टू डू बट कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. आपको कोई ऐसे 5 चीज लिखने हैं जो आप करना तो चाहते हैं मगर समय के कमी के कारण नहीं कर पाते हैं. आंसर, आई वॉन्ट टू प्ले इन पार्क और स्टेडियम. मैं चाहता हूँ कि मैं पार्क या स्टेडियम में खेलूँ लेकिन मैं नहीं खेल पाता समय की कमी के कारण. आई वॉन्ट टू विजिट माई विलेज. मैं अपने गाँव भी जाना चाहता हूँ मगर समय के अभाव के कारण मैं नहीं जा पाता हूँ. आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम इन द लैप ऑफ नेचर. मैं कुछ समय प्रकृति के गोद में बिताना चाहता हूँ, प्रकृति के छटा को निहारना चाहता हूँ उनमें लेकिन मैं नहीं कर पाता क्योंकि हमारे पास खाली समय नहीं है. आई रियली वॉन्ट टू विजिट अ हिल स्टेशन. मेरी इच्छा हिल स्टेशन पर भी जाने की होती है लेकिन लीजर नहीं होने के कारण मैं नहीं जा पाता. आई वॉन्ट टू नो अबाउट हेवन एंड स्टार्स. मैं आसमान के बारे में, सितारों के बारे में जानना चाहता हूँ लेकिन चूंकि मेरे पास खाली समय नहीं है इसलिए मैं ये इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू enjoy द फास्ट एंड hectic लाइफ ऑफ अ मेट्रो सिटी और द स्लो एंड पीसफुल विलेज लाइफ फार अवे फ्रॉम अ सिटी. स्टूडेंट्स, आपके सामने दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है कि क्या आप किसी शहर में व्यस्त जीवन बिताना चाहते हैं या शांतिपूर्ण तरीके से किसी गांव में जो कि शहर से दूर हो वहां अपना जीवन गुजारना चाहते हैं. आंसर, आई प्रेफर पीसफुल विलेज लाइफ. मैं गांव के शांतिपूर्ण जीवन को ज़्यादा पसंद करता हूँ. बट आई डू नॉट लाइक स्लो लाइफ. लेकिन मुझे धीमा जीवन भी पसंद नहीं है, सुस्त तरीके से जीवन बिताना भी मुझे पसंद नहीं है. आई थिंक वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. मेरा मानना है कि जीवन में वर्क का होना बहुत ज़रूरी है. बट वी मस्ट थिंक अबाउट लीजर टाइम टू टाइम. लेकिन हमें उसी में थोड़ा खाली समय अपने एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्स के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए भी निकालना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 प्लेसेज दैट यू वुड लाइक टू विजिट. आपको किन्हीं 5 खास करके हिल स्टेशन के नाम रखने हैं जहां आप घूमने चाहते हैं. मैंने यहां 5 हिल स्टेशन के नाम लिखे हैं, नैनीताल, मसूरी, कुनूर, शिमला, माउंट आबू. Why would you like to go to these places? आप इन जगहों पर क्यों जाना चाहते हैं? बहुत सिंपल सा जवाब है, I would like to go to these places for having fun and enjoy. मैं इन जगहों पर थोड़ा आनंद लेने, प्रकृति के पहलुओं को देखने के लिए जाना चाहता हूँ. अब है अंडरस्टैंडिंग द पोयम, यानी पोयम को पढ़ने के बाद आपने क्या समझा. आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. नीचे दिए गए प्रश्नों के माध्यम से आप जो समझे हैं इस पोयम को पढ़ के आपको आंसर करना है. व्हाट डज द स्पीकर मिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. स्पीकर समय के कमी के कारण क्या मिस करता है. आंसर, द स्पीकर मिसेज टू बिहोल्ड
द ब्यूटी ऑफ नेचर। स्पीकर जो है समय के कमी के कारण प्रकृति की छटा नहीं निहार पाता है। ही हैज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर बीनीथ द बाउज स्ट्रीम पूल ऑफ स्टार्स एटसेट्रा। उसके पास समय नहीं है कि वह पेड़ की शाखाओं के नीचे खड़े हो, रात्रि के समय सितारों से भरे आसमान को निहार सके। क्वेश्चन टू, व्हाट डू स्टार्स इन द स्ट्रीम। लाइन 8 रेफर्ड। आंसर, स्टार्स इन द स्ट्रीम लाइन 8 रेफर्स द नाइट स्काई फुल ऑफ शाइनिंग स्टार्स। पोयम के 8वें पंक्ति में जो स्टार्स इन द स्ट्रीम है इसका क्या मतलब है? तो जो पोयम के 8वें लाइन में स्टार्स इन द स्ट्रीम है उसका मतलब है रात्रि के समय आसमान का तारों से जगमगाना। लिस्ट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। इस पोयम में जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उनकी सूची तैयार करनी है, उनका एक लिस्ट तैयार करना है। हमने लिस्ट तैयार किया है, केयर स्टेयर, बाउज काउज, पास ग्रास, डेलाइट नाइट, ग्लैंस डांस, कैन बिगैन, केयर स्टेयर। क्वेश्चन बी, इन द पोएम लीजर द पोएट डिपिक्ट्स वेरियस थिंग्स एंड एनिमल्स एज एट्रीब्यूट्स ऑफ नेचर। पोएम में, लीजर पोएम में कवि ने प्रकृति की पैरवी के लिए, प्रकृति के बारे में बताने के लिए कई सारे वस्तुओं और जानवरों का इस्तेमाल किया है। रीड द पोएम, आप पोएम को पढ़ें, एंड कम्प्लीट द चार्ट गिवेन बिलो बाई फिलिंग इन द नेम्स ऑफ अप्रोप्रिएट थिंग और एनिमल्स इन द बबल्स। नीचे कुछ बबल्स दिए गए हैं, आप उन बबल्स में ऐसे थिंग या एनिमल को रखेंगे जिससे नेचर के बारे में पता चलता है। आपके सामने वह बबल्स भरे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या कॉपी पर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरीके से नाउ कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो बाय फिलिंग द नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स थिंग्स दैट वी रिलेट टू सिटी लाइफ। इस बार हमें बबल्स में वैसे वर्ड्स या वैसे थिंग्स के बारे में लिखना है या वैसे थिंग्स का नाम लिखना है जो सिटी लाइफ के बारे में बताते हैं। पहला है स्मोक, फैक्ट्री, कार, पॉपुलेशन, हेक्टिक लाइफ, पॉल्यूशन, ट्रैफिक। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी सिटी लाइफ से रिलेटेड हैं। नाउ ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द नेचर एंड सिटी लाइफ। अब हमें शहर के जीवन और प्रकृति के बीच क्या विरोध है, क्या कंट्रास्ट है, उसके बारे में लिखना है। द रिलेशन बिटवीन नेचर एंड सिटी लाइफ इज फुल ऑफ कंट्रास्ट। स्टूडेंट्स, शहर का जीवन और प्रकृति के बीच बड़ी द्वंद्व है, बड़ा विरोध है। We can find the glance of nature in our village life. प्रकृति की छटा तो हम गांव वाले जीवन में ही, ग्रामीण जीवन में ही उसका मजा ले सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। However, village life does not consist of many accommodation. हालांकि कई सारे अत्याधुनिक सुख सुविधा गांव में मौजूद नहीं है। But we can enjoy our life peacefully in the lap of nature. लेकिन प्रकृति के गोद में हम अपना जीवन शांतिपूर्ण गुजार सकते हैं। इन द सिटी देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू विल अर्न मोर इन अ सिटी बट देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग ऑल्सो। स्टूडेंट्स, शहर में ज़्यादातर संभावनाएं हैं जिस माध्यम से आप ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा आपके स्वास्थ्य बिगड़ने का, आपकी जान जाने का खतरा बना रहता है क्योंकि शहरों में भाग दौड़ ज़्यादा होती है, शहरों में कंपटीशन ज़्यादा है, शहरों में स्पर्धा ज़्यादा है, हर चीज़ में स्पर्धा ज़्यादा है। इन नेचुरल क्लाइमेट्स यू विल बी हेल्दी फिजिकली एज वेल एज मेंटली। लेकिन जब आप प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, नेचर्स के बीच रहते हैं, तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी आप अपने से आंसर इसका तैयार कर सकते हैं जिसमें आप शहरी जीवन और जो नेचर है उसके बीच विरोध को दर्शा सकते हैं। हॉट्स, द फ्रेज नो टाइम
has been repeated in the poem. Why is had been is it why has it been repeated? पोयम में हम देख सकते हैं कि नो टाइम फ्रेज का इस्तेमाल दोहराया गया है कई बार. क्यों इसको बार बार रिपीट किया गया है? आंसर: द मीनिंग ऑफ फ्रेज नो टाइम मीन्स लैक ऑफ टाइम. स्टूडेंट्स, नो टाइम जो फ्रेज है इसका मतलब होता है समय का अभाव. इट इज रिपीटेड इन द पोयम सेवरल टाइम्स. हम देख सकते हैं कि इस पोयम में इस फ्रेज को कई बार रिपीट किया गया है, क्योंकि ये पोयम का जो थीम है वो यही है कि किस तरह समय अभाव के कारण, इच्छा की कमी नहीं है इंसान में, इच्छा की कमी नहीं है इंसान में, कमी है समय की, जिसके कारण वह प्रकृति के बीच ज़्यादातर समय नहीं गुजार पाता. बिकॉज द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द हेक्टिक सिटी लाइफ. इस पोयम में कवि ने कहीं ना कहीं शहर के जीवन के बारे में बताया है. ए लाइफ वी आर वन कैन ए पॉज फॉर अ वाइल. एक ऐसा जीवन जहाँ पर आप, यहाँ पर जो वीडियो में ऑन है इसे आप नो पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, ये टाइपिंग एरर हो गया है. वेयर नो कैन ए पॉज फॉर अ वाइल. और शहर की जो जिंदगी है वो इतनी भाग दौड़ से भरी है कि कोई चाह कर भी ठहर नहीं सकता. ही हैज ए डिजायर टू स्टैंड एंड स्टेयर द ब्यूटी ऑफ नेचर. उसकी इच्छा है, मनुष्य की इच्छा है कि वह कहीं स्थिर हो, खड़ा हो और प्रकृति को निहारे. बट बर्डन ऑफ वर्क इवेंट्स, लेकिन काम की अधिकता उसको ऐसा करने से रोकता है. टू सी ब्रॉड डेलाइट एंड नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स. वह चाह कर भी दिन की रोशनी और रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखने का आनंद नहीं ले पाता है. ही हैज नो लीजर टू टर्न एट ब्यूटीज क्लास. उसके पास खाली समय नहीं है कि प्रकृति को, प्रभा को वह देख सके. लाइफ स्किल्स. Why do people in cities normally face shortage of time? शहर में ज़्यादातर लोग समय की कमी, उनके पास समय की कमी क्यों होती है? Is all the work they are busy doing productive? क्या जितना देर वो काम करते हैं वो सभी समय प्रोडक्टिव है? क्या वो सभी प्रत्येक उनके क्षण का, प्रत्येक उनके मिनट का कुछ ना कुछ आउटकम, कुछ ना कुछ लाभ मिलता है? डिस्कस विथ योर पार्टनर. इसका जवाब आपको अपने पार्टनर के साथ चर्चा करना है. आंसर: द पीपल इन सिटीज नॉर्मली फेस शॉर्टेज ऑफ टाइम. शहर के ज़्यादातर लोग समय के कमी समय की कमी झेलते हैं. बट ऑल द वर्क दे आर बिजी डूइंग नॉट प्रोडक्टिव. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक समय का वह 100% उपयोग नहीं कर पाते हैं. Besides their work, they have to face such challenges like population, pollution, traffic, long queues for bus or rail tickets. क्योंकि जो उनका मुख्य काम है उसके अलावा भी शहर के लोगों को बहुत सारी समस्याओं, जो कि व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है. जैसे कि जनसंख्या, जैसे कि प्रदूषण, जैसे कि ट्रैफिक में ज़्यादा भीड़, जैसे कि ट्रेन या बसों के लिए लंबी लंबी कतारों का सामना करना. इसमें उनका बहुत सारा समय बर्बाद होता है जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिसका कोई आउटकम नहीं है, मगर समय उनका इसमें गुजरता है. इन सम एरिया सिटी पीपल हैव फाइट फॉर द वाटर ऑल्सो. शहरों में तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पीने के पानी के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं. आफ्टर Being of so many facilities in city, there are so many difficulties also. शहर में कई सारी सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन बावजूद इसके कई सारी परेशानियां भी हैं. It is never easy to sustain city life. शहर में जीवन बिताना आराम की बात नहीं है. बहुत सारे लोग शहर में अपने जीविका के लिए मजबूरी में जीवन गुजारते हैं. Point out the beauty of nature that can be a source of pleasure. और मैन इन इज डे टू डे लाइफ. हमें कुछ ऐसे प्रकृति के सुंदरताओं के बिंदुओं को यहाँ चिन्हित करना है जिसको इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकता है या फिर उनका आनंद ले सकता है. तो यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे गए हैं. द ब्यूटीफुल सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट. स्टूडेंट्स, हम प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त का जो मनोहर दृश्य होता है उसको देख सकते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस. अपने आसपास के पेड़ पौधों में हम प्रकृति की खूबसूरती को भी देख सकते हैं.
इन द नाइट वी कैन ऑब्जर्व नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स, रात्रि के समय तारों से सजा हुआ आसमान देख सकते हैं। आंट्स मूव इन अ लाइन, चींटियां जब एक साथ कतार में चलती हैं, वो दृश्य में भी हम प्रकृति के रहस्य को देख सकते हैं। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को देख करके हम प्रकृति को ऑब्जर्व कर सकते हैं। Whenever the poet sees the streams in broad daylight, he is reminded of skies at night. Explain, how do you feel? You can see. हमारे सामने कुछ natural scenes रखे गए हैं, प्रकृति के कुछ aspects रखे गए हैं, उनको देखकर हम कैसा महसूस करते हैं हमें लिखना है। सबसे पहला है squirrel dancing and running. जब आप गिलहरी को नाचते और दौड़ते देखते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? I feel myself as a child. मैं अपने आप को एक बच्चा महसूस करता हूँ। And I also want to play with her. और मैं भी चाहता हूँ कि उस खिलाड़ी के साथ साथ दौड़ू, भागू, उछलू। Ants moving in a line. जब आप चींटियों को एक कतार में चलते देखते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? I feel that one should be disciplined like ants. मुझे लगता है कि इंसानों को भी इतना ही अनुशासित होना चाहिए। एंड आई ऑल्सो लर्न टीम वर्क, और चींटियों को इकट्ठा काम करते हुए देखकर मुझे टीम वर्क की, साथ मिलकर सहयोग की भावना की भी सीख मिलती है। द स्काई फुल ऑफ स्टार्स, जब आप सितारों से भरे आसमान को देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आई फील माई सेल्फ फ्लाइंग इन द स्काई, मुझे मन करता है कि काश मैं भी आसमान में उन सितारों के बीच रहता। बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, आई विश आई वेयर अ बर्ड, जब मैं चिड़िया को आसमान में उड़ते देखता हूँ तो मेरा मन भी उड़ने का करता है। सन शाइन ऑन वाटर रिपल्स, जब आप पानी की धारा में सूर्य की चमक को देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? इट सीम्स लाइक पर्ल फ्लोइंग इन द वाटर, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मोती पानी में तैर रहे हों। राइटिंग स्किल्स, लास्ट समर यू वेंट टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विथ योर फ्रेंड्स, पिछले गर्मी के दिनों आप अपने मित्रों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए हैं। यू एंजॉयड वॉचिंग एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वहाँ प्राकृतिक आवास में आपने कई सारे जंगली जानवरों को देखा। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर डिस्क्राइबिंग टू हिम द सेटिस्फैक्शन यू डिराइव फ्रॉम वॉचिंग देम, आपको अपने भाई के पास एक पत्र लिखना है जिसमें आपने क्या महसूस किया, आप कितने संतुष्ट हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को देखकर, इसके बारे में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, लेटर लिखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। चूंकि ये लेटर हम किसी ऑफिस में नहीं लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड के पास लिख रहे हैं, अपने ब्रदर के पास लिख रहे हैं, इसलिए इसको हम इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में रखते हैं। स्टूडेंट्स, लेटर दो तरीके के होते हैं। जब हम लेटर ऑफिशियल वर्क के लिए लिखते हैं तो वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है, और जब हम लेटर अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर्स के पास लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आता है, इसलिए ये लेटर हमारा इनफॉर्मल लेटर है। आप लेटर के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, आप पेज के बाई तरफ सबसे टॉप पर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, यानी उस शख्स का एड्रेस लिखेंगे जिसके पास आप ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके पास आप लिख रहे हैं। अब अपना बॉडी लिखेंगे, जो भी आपको कंटेंट लिखना है। आई एम हैप्पी एंड होप यू वुड बी सेम देयर, मैं खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहाँ खुश होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टेलिंग अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैं ये पत्र तुम्हें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। लास्ट समर आई हैव विजिटेड देयर विथ माई फ्रेंड्स, पिछले गर्मियों मैं अपने मित्रों के साथ वहाँ घूमने गया था। I enjoyed watching many wild animals in their natural habitat. मैंने देखकर बड़ा आनंद लिया कई सारे जंगली जीवों को उनके अपने आवास में। There was different species of plants and a diverse variety of fauna. वहाँ मैंने कई प्रजातियों के, कई किस्म के पौधे और कई किस्म के जानवरों को भी देखा। I have seen there more than 100 species of trees. 100 से ज़्यादा किस्म के पेड़, 50 से ज़्यादा किस्म के स्तनधारी और कई सारे चिड़ियों को देखा। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, मेरे लिए यह बड़ा ही अनोखा अनुभव था। आई हैव कैप्चर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ देयर, मैंने कई सारे तस्वीरें भी वहाँ के लिए हैं। आई विल सेंड देम, मैं तुम्हें भेज दूंगा। आई विश इफ यू कुड बी देयर विद अस, काश तुम भी वहाँ हमारे साथ होते। कन्वे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स,
पिताजी और मम्मी को प्रणाम करना, रेस्ट जोके, बाकी सब ठीक है। योर लविंगली साकेत, तुम्हारा प्यारा साकेत। नो टाइम टू सी वेन वुड्स वी पास। स्टूडेंट्स आप इस सेंटेंस को देखेंगे, नो टाइम टू सी वेन वुड्स वी पास। यहाँ पर तीन शब्द एक ही साउंड जैसे मिलते हैं, जैसे वेन वुड्स वी। इन द एबव एक्सट्रैक्ट द साउंड व अकर्स रिपीटेडली। आप ऊपर जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसमें वेन वुड्स और वी में व साउंड दोहराया जा रहा है। दिस अकरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिटरेशन। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से अगर एक ही आवाज बार बार दोहराई जा रही हो इसको हम एलिटरेशन कहते हैं, हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। द यूज ऑफ एलिटरेशन गिव्स अ म्यूजिकल इफेक्ट ऑफ द पोयम। इस ये जो एलिटरेशन है कविता में संगीत के प्रभाव को डालता है। रीड द पोयम एंड फाइंड आउट टू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिटरेशन। इस पोयम को पढ़ना है और आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप और भी जो एग्जाम्पल्स हैं पोयम में एलिटरेशन के उसको आप लिखेंगे। एलिटरेशन क्या होता है एक बार फिर से समझ लें। द यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टूगेदर। शब्दों के शुरुआत में, अलग अलग शब्दों के शुरुआत में जब एक ही ध्वनि एक ही साउंड बार बार आती है इसी को हम एलिटरेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने लीजर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिफरेंट एक्सरसाइजेज को कंप्लीट किया। मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी यूजफुल साबित होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।